ये है वक्त मीडिया। और मैं अब आपके जज्बात, आपके ख्वाहिशात की तकमील के लिए यहाँ तक आया। आनंद नारायण चकबस ने कहा था कि जबान को बंद करें या मुझे असीर करें, मेरे ख्याल को बेड़ी पिना नहीं सकते। ये कैसी बज्म है और कैसे इसके साथी हैं, ये कैसी बज्म है और कैसे इसके साथी हैं। शराब हाथ में है और पिला नहीं सकते। शराब, डॉक्टर हाथी ने फरमाया कि बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, ये पीना चाहते हैं पिला देनी चाहिए। बीमार को मरज की दवा देनी चाहिए, ये पीना चाहते हैं पिला देनी चाहिए, ये खुद भी चाहते हैं करें तेरा सामना, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए, तुझको भी अब नकाब उठा देनी चाहिए। और तो वक्त आ गया है कि खातून का इस्तकबाल किया जाए, वो खातून जिसका अंदाज फूल जैसा मुअत्तर है और जिसके अल्फाज चांद सितारों की तरह नूरानी है, इस वजह से उसका तखल्लुस भी नूर है। मोहतरमा इकरा नूर, लफ्ज इकरा पे बात करूं तो कुरान मजीद का आगाज लफ्ज इकरा से हुआ और इकरा के मानी होते हैं पढ़ो, जो हमारे मजहब का बुनियादी पहलू है। तो आइए इकरा नूर से दरखास्त करते हैं। और कमेटी के तमाम लोगों को मुबारकबाद पेश करती हूँ और चार मिसरे हाजिर करती हूँ। सदर मोहतरम की इजाजत चाहती हूँ जी, और अल्ताजिया साहब की इजाजत चाहती हूँ। इजाजत है, इजाजत। पहले पूरा सुन लो, ऐसे क्या होगा? नहीं, ये प्रीपेड करने वाले हैं लोग। मैं हाजिर करती हूँ। तेरे बगैर ये, तेरे बगैर, सुन ले, बेटा सुन ले पहले जी। नहीं, आप पढ़िए, आप पढ़िए। मैं हाजिर करती हूँ जी। वाह वाह वाह, मैं दोबारा, बुझी बुझी सी तबीयत है क्या किया जाए, बुझी बुझी सी तबीयत है क्या किया जाए। वाह, तुम्हें तो फिक्र जरा भी नहीं मेरी लेकिन, तुम्हें तो फिक्र जरा भी नहीं मेरी लेकिन, वाह, मुझे तुम्हारी जरूरत है क्या किया जाए। वाह, बुझे बुझे से तबीयत है क्या किया जाए। और चार में से हो सारे हाजिर करती हूँ मैं। ईशा, शुक्रिया। दिलो जा जिंदगी तुझ पे ये कुर्बान कहती हूँ, मैं डर डर कर नहीं कहती, अललान कहती हूँ। भाई क्या कहने हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, आपकी बेबाकी को सलाम, बहुत बहुत शुक्रिया। वाह, मैं डर डर कर नहीं कहती, अललान कहती हूँ, कहती हूँ। वाह, तू ही है मेरी दुनिया और तू ही है हर खुशी मेरी, क्या कहें, तू ही है मेरी
खुशी मेरी, तू मेरी रूह में शामिल है, तुझको जान कहती हूँ। बहुत अच्छा है, वाह, बहुत बहुत शुक्रिया। तू मेरी रूह में शामिल है, तुझको जान कहती हूँ। बहुत अच्छा। चुप चुप कर नहीं कहती, अललान कहती हूँ। इकरा साहिबा, ये जो नूरपुर है, यहाँ के नाबालिग को भी आप कम मत आकी, ये भी बालिग वाला काम कर देते हैं, मुशायरे के आगाज से ही जान कहना सीख रहे थे। जी जी। और हालात इनके ऐसे हैं, आपको मैं आगाह कर दूं अपनी जिम्मेदारी समझते हुए, कि तुम्हें खोकर भी हम जिंदा रहेंगे, तुम्हें खोकर भी हम जिंदा रहेंगे, मगर सांसों से शर्मिंदा रहेंगे, और जमाने भर में आशिक है तुम्हारे, मगर हम ही नुमाइंदा रहेंगे। जमाने भर में आशिक है तुम्हारे, मगर हम ही नुमाइंदा रहेंगे। थोड़ा सा आपकी तबीयत शोक हुई हो और सही वक्त मोहतरमा का तशरीफ लाई हो, थोड़ा सा तालियों से अपना इस्तकबाल और थोड़ा सा माहौल दीजिए कि हमको एक अच्छी गजल आपके सामने पेश कर सके। गजल हाजिर करती हूँ। इरशाद। जो सोते जागते हर लम्हा याद आया है, जो सोते जागते हर लम्हा याद आया है, उसी के नाम का दिल में दिया जलाया है। जमाने वाले जुदा कर ना पाएंगे हमको, बेशक जमाने वाले जुदा कर ना पाएंगे हमको। मैं उसके दिल में, मेरे दिल में वो समाया है। वाह। मैं उसके दिल में, मेरे दिल में वो समाया है। क्या कहने? उसी के नाम का दिल में दिया जलाया है। तुम्हारा साथ ना छोड़ूंगी जिंदगी भर में। क्या जबरदस्ती है, वाह। सदा के वास्ते अपना तुम्हें बनाया है, सदा के वास्ते अपना तुम्हें बनाया है। और खासतौर से हाजिर करती हूँ आप सभी। इरशाद, इरशाद, इरशाद। जमाने भर पे नजर मैंने डाली कर देखी, वाह। जमाने भर पे नजर मैंने डाली कर देखी, जमाने भर पे नजर मैंने डाली कर देखी, तेरे सिवा न कोई और मुझको भाया है। अच्छा है, वाह 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 वाह। तेरे सिवा न कोई और मुझको भाया है, बहुत अच्छा है। बहुत बहुत शुक्रिया। ये थी मोहतरमा इकरा नूर। दोस्तों, जो हमारे कुछ बच्चे हैं, उन्होंने तो दाद दी ही, मगर बड़ी खामोशी से हमारे बुजुर्ग सामईन ने भी उन्हें दाद और मोहब्बत से नवाजा। विजय तिवारी ने कहा था कि सीने में तूफान दबाना पड़ता है, सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। सीने में तूफान दबाना पड़ता है, आंखों को अनजान बनाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। उनका क्या है, निकल पड़े हैं बेपर्दा, हमको तो ईमान बचाना पड़ता है। आइए दोस्तों, इस सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। अगर आप अपने दीनी जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या सियासी या सामाजिक जलसों की कवरेज कराना चाहते हैं, या फिर मुशायरे या कवि सम्मेलन की या किसी और प्रोग्राम की, तो हमसे कांटेक्ट कर सकते हैं। हमारा कांटेक्ट और व्हाट्सएप नंबर है 9997640286। आप अपने दोस्त, अपने होस्ट शफीक खान को दीजिए इजाजत।